हाय गाइस, आज हमारे साथ परी हैं। हम क्रियांजा एसपीजी में आए हैं और अभी हम परी से पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है और कैसे पढ़ाई होती है, वो कैसे यहाँ पे रहती हैं, उन्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए और वो कहाँ से हैं, सारे सवाल पूछेंगे। तो परी, तुम कहाँ से हो? हनुमानगढ़, राजस्थान। हनुमानगढ़। और अभी यहाँ पे कौन सी क्लास में हो? इलेवेंथ। इलेवेंथ में। नॉन मेडिकल है ना? आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, और कब आना हुआ था क्रायंजा में? यहाँ पे मेरे को 4-5 मंथ्स हो गए हैं। अच्छा, तो कैसे पता पड़ा था इसके बारे में? सर के फेसबुक पेज से। अच्छा, तो ये क्यों चूज़ किया? क्योंकि हॉस्टल भी चूज़ कर सकती थी, पीजी भी कर सकती थी। क्योंकि ये हॉस्टल कम घर जैसा ज़्यादा है। अच्छा, कैसा कैसा लगता है यहाँ पे रहके? यहाँ पे मतलब एकदम घर जैसा लगता है। बस यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, घर पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती है। यहाँ पे एक प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ है, नीलेश सर जैसे मेंटोर हैं, तो यहाँ पे घर जैसी फीलिंग के साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे कैसे शेड्यूल क्या होता है मंडे टू फ्राइडे? मंडे टू फ्राइडे हमारी मतलब जैसे हम कोचिंग से आते हैं 1 बजे, उसके बाद हमारा 3 बजे तक ब्रेक होता है, फिर 3 बजे से लेके हमें 5:30 बजे तक पढ़ना होता है, फिर उसके बाद हमारा 1 घंटे का ब्रेक होता है, उसमें हम सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं। 5:30 से स्टार्ट होता है? हाँ, 6:30 तक, फिर 6:30 फिर से पढ़ने बैठते हैं और फिर 10 बजे तक पढ़ते हैं रात को। 10 बजे बीच में खाना खा लेते हैं, उसी में खाना। हाँ, तो जो रात को पढ़ती हो वो रूम में पढ़ती हो या फिर सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं? गर्ल्स रूम में पढ़ती है और बाकी सारे बच्चे हॉल में पढ़ते हैं। अच्छा, और गर्ल्स एज ए सारी गर्ल्स? हाँ, गर्ल्स मतलब यहाँ पे अपने अपने रूम्स में पढ़ती हैं। अच्छा, और बॉयज इसी फ्लोर पे बाहर हॉल में पढ़ते हैं। अच्छा, और सर हर एक बच्चे का होमवर्क, हाँ, उसने पूरे दिन में क्या पढ़ाई की, हाँ, ये सब चेक करते हैं। अच्छा, मतलब सारे बच्चे एक ही फ्लोर पे होते हैं? हाँ हाँ। Okay. और मैडम सब देखते भी रहते हैं क्या? हाँ, सर कभी भी किसी भी बच्चे को बुला के उसका वायवा ले लेते हैं। अच्छा, कि वो कैसी प्रोग्रेस है उसकी। अच्छा, इससे इम्पैक्ट पड़ता होगा क्योंकि, हाँ, बच्चे को लगता होगा कि है ना सर पूछ रहे हैं। मतलब हमेशा हमें रेडी रहना होता है कि सर कभी भी बुला लेंगे। अच्छा, तो अभी कौन सी क्लास में? इलेवेंथ। इलेवेंथ में। आगे तो मैं आईटी के लिए प्रिपेयर करना। हाँ। Okay. किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया? रिलायबल। तो तुम्हारी सेल्फ स्टडी कैसी होती है पूरे वीक में? अच्छी होती है। सुबह क्या करती हो फिर उसके बाद? क्योंकि जो सारे बच्चे करते हैं उसमें तो पढ़ती हो, उसके अलावा तुम्हारा क्या अलग रहता है दूसरे बच्चों से? कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता, क्योंकि जो सर टास्क देते हैं वही करते हैं, और मतलब जो क्लास में करवाते हैं उसे रिवीजन करते हैं बस। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि तुम्हारी क्लास में कुछ और होमवर्क दिया है जो हो सकता है कि ज़्यादा हो बाकी बच्चों को जो होमवर्क मिला है, तो उसके लिए फिर अलग से एफर्ट लगाने पड़ते हैं? हाँ, टाइम तो कम पड़ जाता है। रात को 10 बजे के बाद एक्स्ट्रा पढ़ लो, या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते हैं। अच्छा। या फिर कभी ब्रेक में पढ़ लेते हैं हम। और कैसा लगता है यहाँ पे? तुम्हें लगता है कि बाकी बच्चे यहाँ पे डिसिप्लिन रहते हैं अदर हॉस्टल्स और पीजी की अपेक्षा? हाँ, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। अदर पीजीज में कोई भी मतलब देखने वाला नहीं होता है, बस आप अपना रह रहे हो, लेकिन यहाँ पे सर मैम मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हर बच्चे का, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अच्छा, तो और बाकी हॉस्टल्स और पीजी से तुम इसको कैसे बताओगी, ये कैसे अलग है क्रायंजा? क्योंकि कुछ व्यूअर्स देख रहे होंगे और उनको अगर तुम्हें बताना हो कि ये कैसे डिफरेंट है तो कैसे? वहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल खाना, यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी होता है, लाइक एकदम घर जैसा लगता है कि मतलब बिल्कुल भी। और मतलब ऐसी कोई चीज़ हो जैसे आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप मैम को बोल दो, मैम मतलब कुछ और बना दो, तो मतलब वो आपके लिए मतलब अलग से वो हो जाएगी। मतलब कुछ भी मैम को बोलते हैं, मैम आज ये खाने का मन कर रहा है, तो मैम पूरी कोशिश करती है अगर वो पॉसिबल हो तो। ये सिर्फ घर पे ही होता है, किसी और हॉस्टल से पीजी में नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता क्योंकि डिसिप्लिन करने में और फिर उसी चीज़ को बोझ बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर कोई हमें रेगुलरली बोलता है कि पढ़ो तो एक समय तक वो डिसिप्लिन होता है, अगर ज़्यादा बोले तो वो बोझ बनने लगता है। ऐसा तो नहीं लगता तुम्हें? नहीं, यहाँ पे खुद का रूटीन बन गया, मतलब ऐसे सर को मतलब कि अब पता है कि पढ़ना है तो कभी बोझ नहीं लगता। कई बार सर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते होंगे कि बच्चे जहाँ तक सिंसियर है उनको लगता होगा कि हाँ ठीक है बच्चे, तो अपने हिसाब से पढ़ने की इजाज़त दे देते होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। और स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़ बहुत हैं, मतलब सुबह सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं, हाँ।
वो मतलब होल में सारे सर भी करते हैं हमारे साथ में। और उसके अलावा हम बहुत बार क्रिकेट या फुटबॉल खेलने जाते हैं बाहर, मतलब स्टेडियम में या फिर कहीं भी। और शाम को हम ऊपर भी सारे बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स तो बहुत होता है, फिजिकल एक्टिविटी। मंडे टू सैटरडे होते हैं या फिर संडे संडे ही होते हैं? नहीं, ऑल सेवन डेज। और इसके अलावा क्या क्या होता है? सर बता रहे थे कि डांस भी होता है। हाँ वही, वो सुबह एक्सरसाइज के साथ साथ डांस भी करते हैं। अच्छा, मतलब बिग बॉस जैसी। सो इसके अलावा कोटा तुम्हें कैसा लगता है पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम कहाँ से आई हो? तुम हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से, तो हनुमानगढ़ से तुम कोटा आई हो राजस्थान। तुम्हें कैसा लगता है, कोटा में पढ़ना बेहतर है या फिर तुम अपने पास में ही किसी शहर में भी पढ़ सकती थी? Why did you choose Kota? Kota क्यों आना? क्योंकि कोटा में कॉम्पिटिशन है। अच्छा। और यहाँ पे एनवायरमेंट है पढ़ाई का। और मतलब ये हर जगह पे नहीं होता है। अच्छा। तो कभी तुम्हें ऐसा लगा कि यार कोटा से अच्छा मैं अपने घर के किसी सिटी में पढ़ लेती, या अगर होम टाउन में कोचिंग बेहतर थी तो वहाँ पे पढ़ लेती, ऐसा कभी लगा? नहीं, अभी तक नहीं लगा। नहीं। और पेंडेमिक के बाद बच्चे तो यहाँ पे बहुत कम है, जनरली जो जितने बच्चे होते हैं उतने तो नहीं दिखे होंगे, तो मतलब ऐसा लगा कि यार वैसी भीड़ नहीं है, या जो कंपटीशन या फिर जो एनवायरनमेंट पहले मिलता था पैंडेमिक के पहले, क्योंकि लाखों में बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली अभी तो उतने नहीं आए, तो ऐसा लगता है कि यार बच्चे उतने ज़्यादा नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी कंपटीशन है और अभी बच्चे आने भी लग गए हैं, तो फिर नॉर्मल होता जा रहा है सब कुछ। एक और सवाल है मेरा, एक्चुअली वैसे तो ये तुम पे लागू नहीं होता क्योंकि नीलेश सर बहुत अच्छी देखभाल करते होंगे, तुम्हें अनुश्वर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, बट अगर तुम्हें कहना पड़े कि कोटा गर्ल्स के लिए कैसा है, स्पेशली पेरेंट्स, इंडिया के पेरेंट्स वो गर्ल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, सो हाउ डू यू थिंक कि कोटा गर्ल्स के लिए सेफ है, या अगर तुम्हें लगता है अनसेफ भी है तो कैसे जस्टिफाई करोगी, तुम्हें क्या लगता है? मतलब बाकी कोटा का तो नहीं पता, इसलिए मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे नीलेश सर के घर पे भेजा कि मतलब वो भी बहुत कंसर्न्ड हैं गर्ल्स को लेकर, इसलिए कि यहाँ पे मतलब यही बेस्ट प्लेस लगी उनको कोटा में। और देखभाल करते हो? ओके, सो अभी तक 4 या 5 महीने जितना भी तुमने रहा है उसमें तुम्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ी अकेले किसी काम से भी? नहीं, बाकी ज़्यादातर काम जो तो डेली होते हैं, डेली के काम वो तो नीलेश सर करवा देते हैं। हाँ। उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कुछ कोटा के बारे में तुम अपने हिसाब से कहना चाहो जो भी तुम्हें अच्छा लगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोटा के मैंने बहुत इम्प्रूव किया अपनी स्टडीज़ में, और मतलब जैसे बहुत इम्प्रूवमेंट आया, मतलब मेरे को लगता था पहले कि पहले भी मतलब मैं सही हूँ, मतलब हनुमानगढ़ में रह के भी मैं IIT की तैयारी कर सकती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ वो हाँ मतलब वहाँ पे जो तैयारी हो रही थी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं थी अभी के कंपैरिजन में। और क्या डिसीजन था वो, टाइम क्या था, कैसे तुम्हें पता लगा कि कोटा ही जाना चाहिए, इन्फ्लुएंस कहाँ से है तुम कोटा के लिए? नीलेश सर फेसबुक, मतलब मेरी मम्मी बहुत पहले से फॉलोअर है सर की। अच्छा। और फिर मतलब सर ने अपने वीडियोस में बताया था कि सर का मतलब खुद का हॉस्टल है। अच्छा। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा कि हाँ कि नीलेश सर जैसे टीचर मतलब के घर पे तो बहुत सही रहेगा। तो ये नीलेश सर के कारण ज़्यादा हुआ ना कि कोटा की हाइप के कारण? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और फिर भी मिलेंगे, अच्छे से पढ़ो, है ना? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।